एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ काउंसलिंग। तो गाइस देखिए, मैं इसमें बात करूंगा बेसिकली जो आईपी की जो आपकी काउंसलिंग है एमबीबीएस के लिए, उसमें आपको कुछ डाउट्स रह गए थे, तो मैं उन डाउट्स को क्लियर करूंगा जो मैंने कमेंट से उठाए हैं। और बेसिकली जो मोस्ट कॉमन लोग जो मेरे टेलीग्राम पर पूछ रहे हैं, उन लोगों के डाउट्स मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके भी डाउट्स कुछ होंगे जो आपके क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो से पूरे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो और इंटरेस्टिंग है, मैं आपको पूरा लिस्ट करके बताऊंगा कि एमसीसी और आईपी में सिंक्रोनाइजेशन कैसे होता है, कि आईपी पहले होता है, एमसीसी बाद में होता है, तो आप उसके हिसाब से अपने प्लानिंग को आप और अच्छा कर सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर कुछ डाउट्स की। तो सबसे पहले डाउट आ रहा है कि भैया देखो, हमने आईपी के पहले वाले तो रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसके अंदर हमने क्या किया था कि हमने ओबीसी रिड्यूस तो डाल दिया था, पर वो हमारा सर्टिफिकेट बन नहीं पाया है। यदि आपका सर्टिफिकेट वो बन नहीं पाया है तो आप अपलोड भी नहीं कर पाएंगे और अपनी कैटेगरी अपने आप जनरल हो जाएगी। तो ये इसमें आईपी के फॉर्म में भी लिखा हुआ था, जो नोटिस आया था उसके अंदर, ठीक है। बट कुछ लोगों का डाउट ये है कि भैया हम पहले जनरल थे आईपी के फॉर्म में, कि अब ईडब्ल्यूएस या ओबीसी बन सकते हैं? यस, अगर आपका सर्टिफिकेट है अपलोड कर दीजिए, आपको अपने आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कंसिडर कर लेंगे, उस हिसाब से मेरिट बना देंगे आपकी, ठीक है। नेक्स्ट डाउट आपका आ रहा है वो है चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग। भैया हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस भर दी, काउंसलिंग फीस भर दी, चॉइस फिलिंग भी कैसी में होगी? नहीं, चॉइस फिलिंग आपकी इसके अंदर नहीं होने वाली है। चॉइस फिलिंग आपकी एमसी के फर्स्ट राउंड के बाद स्टार्ट होती है, जो कि आपका नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा आपके इस यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब कुछ लोगों का डाउट ये है कि भैया देखो, अजय भाई रो रैंक बहुत ज़्यादा हाई है, लाइक बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब हाँ है हाई, ठीक है, लाइक 25,000-30,000 ओबीसी कैटेगरी 20,000 में भी है, और जनरल कैटेगरी 10,000-12,000, ये अच्छी रैंक है। बट वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग फॉर्म भरे या नहीं भरे, फ़ायदा तो होने नहीं वाला है। देखो, फ़ायदा या घाटा आप लोगों को नहीं सोचना है, आपको अपना प्रोसेस पूरा करना है, आपको फॉर्म भरना है, क्योंकि अभी मेरिट नहीं आई है। मेरिट के अकॉर्डिंग क्या पता मेरिट दिल्ली की लो चली जाए, कुछ पता नहीं होता। तो आपको ट्राई तो ज़रूर करना है ना यार। देखो, अगर मान लो आपने फॉर्म भरा, एटलीस्ट आप एक्सपीरियंस तो ले पाओगे ना, तो फॉर्म तो ज़रूर भरना है। अब एक दिक्कत ये आ रही है, जिसकी रैंक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है यार, देखो जिसके 1500 रैंक है, 1000 रैंक है, या फिर 1600-1700 रैंक है, 2000 रैंक है, 2200 रैंक है, वो लोग कह रहे हैं यार हम भरे या नहीं भरे। यार देखो, पता है UCMS, RML, VMMC, MMC टॉप कॉलेज के अंदर आते हैं, ठीक है, दिल्ली में तो टॉप कॉलेज के अंदर आते हैं सारे, तो पता है अब उसकी रैंक का कुछ पता नहीं होता, वो अनसर्टेन है कि कम पे बंद हो, ज़्यादा पे बंद हो। तो ऐसा बैकअप प्लान आपको रखना चाहिए, तो आपको एक फॉर्म भरना चाहिए। यार देखो, कुछ नहीं जा रहा आपके, कुछ 1000 और 1500 रुपये जाएंगे और आपके पूरा फॉर्म भर जाएगा, ठीक है। अब कुछ डाउट ही आ रहा है लोगों का, यार देखो सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, देखो अगर हमारा ओबीसी का सर्टिफिकेट सेंट्रल है या स्टेट है, कौन सा वैलिड होगा? देखो, सबसे पहली बात, आपका स्टेट का तो वैलिड है ही है, बट आप लोग बात कर रहे हो ईडब्ल्यूएस का भी स्टेट वैलिड है, बट सेंट्रल के लिए यार देखो मैं आपको बताता हूँ, ईडब्ल्यूएस का ना दिल्ली और सेंटर का क्राइटेरिया सेम होता है, ठीक है, तो क्या पता वो एक्सेप्ट कर भी लें। बट लेकिन ओबीसी का सेंटर और स्टेट के लिए ना, और ईडब्ल्यूएस का सेंटर और स्टेट के लिए, एक बार आप ना पता कर लीजिए, 10 से 12 के बीच में आप आईपीओ में कॉल करिएगा, वो आपको जरूर रिप्लाई देंगे, कॉल जरूर उठा लेंगे आपका, उनसे पूछिएगा क्लियरली, क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने देखा था इन्होंने सेंट्रल का भी एक्सेप्ट किया था और लास्ट ईयर भी किया था, तो इनको एक बार कन्फर्म करवा लीजिए आप, ठीक है। और एससी एसटी का सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत नहीं होती, वो तो एक ही चलता है, ठीक है, तो वो सदाबहार सर्टिफिकेट है, ठीक है। अब जैसे कि एक ये है कि यदि हमने अपनी 11th 12th बाहर से करी है, सब वो दिल्ली से नहीं कही, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहाँ से भी करी है आपने, ठीक है, क्या हम आई पी यू काउंसलिंग भर सकते हैं? यहाँ देखो, भरने को कोई भर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा आई पी यू के अंदर, आप काउंसलिंग नहीं करा पाओगे, ठीक है, तो इस बात को छोड़ जाइए, एक्सेप्ट आर्मी, ठीक है, तो इस बात के लिए आप भूल जाइए कि आपको आईपीयू का कोटा मिल जाएगा। आईपीयू कोटा उन्हीं को मिलेगा जो 11th 12th दिल्ली से किए हैं, ठीक है, वो आराम से आईपीयू कोटा को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आ रहा है 11th की मार्कशीट को लेकर, यार देखो अब स्कूल की हॉलीडे चल रहे हैं, लोग मेरे से बोल रहे हैं कि भैया हमारी स्कूल की मार्कशीट जो है वो स्कूल में है, स्कूल वालों ने दी नहीं है अभी तक, तो हॉलीडे चल रहे हैं, हम कैसे लाएँ? देखो, सबसे पहले 11th की मार्कशीट की नीड कहाँ पड़ती है आपको पहले जान लो। नीड पड़ती है आपको सबसे पहले एडमिशन के टाइम पे, या फिर जब आपकी काउंसलिंग ऑफलाइन हो रही होती है तो वहाँ पर आपको शो करनी होती है। तो फर्स्ट राउंड आपका ऑनलाइन है, तो वहाँ तो आपको शो करने की कोई भी नीड नहीं पड़ेगी, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? इसी की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। 2-3 दिन बाद ले आइएगा, 4 दिन बाद ले आइएगा, वहाँ पर आप कभी ला सकते हैं, ठीक है। अब एक डाउट आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन फीस और काउंसलिंग फीस का क्या चक्कर है? जिन लोगों ने नीट के एग्जाम से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया था 1500 फीस दे के, वो खाली अब काउंसलिंग फीस ही भरेंगे, जरूरी है भरना काउंसलिंग कराने के लिए। जिन लोगों ने कुछ भी नहीं कराया था, लेकिन उन्होंने फॉर्म भी नहीं देखा था, तो वो लोग क्या करेंगे, अपनी काउंसलिंग फीस और रजिस्ट्रेशन फीस दोनों ही भरनी पड़ेगी उन लोगों को, और उसको पूरी तरह से भर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कैटेगरी चेंज इन एमसीसी एंड आईपीयू, ये दोनों का डाउट है। देखो, बहुत कॉमन डाउट है कि भैया हम पहले एमसीसी में जनरल थे, क्या हम ओबीसी या ईडब्ल्यूएस अवेल कर सकते हैं? यार देखो, एमसीसी ये चीज़ अलाउ नहीं करता है, क्योंकि इसके वजह से पूरी नीट की मेरिट बिगड़ जाएगी,
दूसरी बात आईपीयू करता है, यस आईपीयू में आप जनरल से ईडब्ल्यूएस ओबीसी हो सकते हैं, बट लेकिन एमसीसी में ऐसा नहीं है, ठीक है। और एमसी और आईपी में आप ओबीसी एससी एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस से जनरल हो सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको डाउट क्लियर कर दिया अच्छे से, ठीक है। अब एक डाउट आ रहा था यार, शेड्यूल ऑफ एमसीसी एंड आईपीयू काउंसलिंग, इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अगली वीडियो इसी के ऊपर है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिससे आप अपनी प्लानिंग आगे कर सकते हैं। तो कई लोग मैंने देखा है कि जो आईपीयू काउंसलिंग भरते हैं उनके पास यूपी का डोमिसाइल भी होता है, दिल्ली का भी होता है, वो सेंट्रल में तो होते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं हरियाणा का डोमिसाइल होता है, उनके पास दिल्ली का भी होता है और सेंट्रल में भी करवाते हैं, है ना। कुछ राजस्थान का डोमिसाइल लगते हैं। तो इन सबको पूरी काउंसलिंग को मिला के आपको चलना पड़ता है यदि आपको एक अच्छी सीट लेनी है। देखो जिनकी रैंक अच्छी है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको दिल्ली मिल जाने वाला है, पर लेकिन देखो जो बॉर्डर लाइन पे हैं या जिनको रिस्क है कि यार नहीं मिल पाएगा या फिर बहुत कम चांसेस लग रहे हैं, उन लोगों को ये काउंसलिंग थोड़ा संभाल करानी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है अब आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस की एलिजिबिलिटी क्या है। देखो आपके पास डिफेंस कोटा होना चाहिए, पहली बात आप आर्मी में या डिफेंस में होने चाहिए, ठीक है। ये इसका मेन क्राइटेरिया जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक मेन डाउट हो रहा था कि बीएससी ओनर जो नर्सिंग है उसके रिगार्डिंग आ रहा था, बीएससी नर्सिंग का भी उन्होंने निकाल दिया एक साथ, तो उसमें ये डाउट है। देखो उसमें कुछ नहीं है, यदि आपने दिल्ली से किया है तो आप दिल्ली के बीएससी नर्सिंग के जो कॉलेज हैं आप उसमें अवेल हो जाएंगे काउंसलिंग के लिए, ठीक है। तो उन्होंने नोटिस निकाला उसके अकॉर्डिंग, तो आई थिंक आपके मैक्सिमम डाउट इसमें क्लियर हो गए होंगे। बाकी जो आपके डाउट रिमेनिंग रह गए हैं आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसमें और भी डाउट आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बट इस वीडियो के थ्रू आपको जितने भी आईपी के डाउट्स आपके रिगार्डिंग जो भी हैं ये आपके सारे क्लियर हो चुके हैं, और जो भी नहीं क्लियर हो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके, ठीक है। और सबसे मेन बात आईपी को फॉर्म ज़रूर भरना है, फीस पूरी भरनी है, और आपको कन्फर्मेशन वेरीफिकेशन जब भी आपको मैसेज आएगा तो वेरीफिकेशन कृपया करके वेरीफिकेशन का मैसेज को आप ज़रूर देखें, नहीं आया तो आप कन्फर्म करें आईपी में कॉल करके। वेरीफिकेशन से ही आपके डॉक्यूमेंट आपकी कैटेगरी एकदम जो आपने भरी है वही मानी जाएगी। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं, लाइक शेड्यूल के बारे में, देन नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी, देन कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है प्रॉपर। तो गाइस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने के लिए मेहनत लगती है यार, तो इस मेहनत का फल तो मिलना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।